धड़कन पे पांव, प्लीज मुझे मेरा गुनाह बता दे, क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा मिली बताए ना, मुझे बताए भाई, प्लीज मुझे छोड़ कर मत जाए, प्लीज मुझे बताए मेरा क्या गुनाह था, प्लीज कुछ तो बोले, बताए ना क्या गुनाह था मेरा, प्लीज बताए मुझे, प्यार तो कर, प्लीज मुझे बता के जाइएगा मेरा क्या गुनाह था, फर्ज था, देख आगे बताए मुझे, मैंने किस गुनाह क्या करता क्या सोचा बेटा? क्या जवाब दूं मैं रम के सवालों का जो बार बार मुझसे पूछती है कि उसे किस गुनाह की सजा मिल रही है? क्योंकि मासूम है ना बेचारी, उसे पता ही नहीं कि उसने तो कोई गुनाह किया ही नहीं था, ये तो उसे मेरे गुनाहों का अजाब झेलना पड़ रहा है। मेरे साथ होने वाली एक एक ज्यादती का बदला तुझसे मेरा खुदा लेगा, अब देख खुदा क्या करता है। जो बद्दुआ मुझे दी गई थी वो जाकर उसे लग गई, बेटा हर वक्त पुरानी बातों को याद करके अपने आप को तकलीफ देने का क्या फायदा है? जो हो गया वो तो हो गया, अब उसको तुम बदल तो नहीं सकते ना। मुझसे नहीं बुलाया जाता ये सब कुछ अम्मी, और एटलीस्ट मैं अपनी बहन की तकलीफ कम तो कर सकता हूँ ना। मैं जाकर उसे बता देता हूँ कि वो बेगुनाह है और उसे मेरे किए की सजा मिल रही है, उसकी तकलीफ कम हो जाएगी। और वो जो तुम कह रहे थे कि अगर उसको पता चल गया तो तुम उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, बस इसीलिए तो खुद गर्ज हो गया होगा। डरता रहता हूं, आंखें चुराता हूं अपनी बहन से कि किसी दिन वो मेरी आंखों में छुपे चोर को पहचान ना ले और मुझसे नफरत करना ना शुरू कर दे। अच्छा इरम को साइकियाट्रिस्ट के पास कब लेकर जाओ तुम दोबारा? कल की अपॉइंटमेंट मिली है। और वो सर्जरी वो कब होगी? डॉक्टर से बात हुई थी मेरी, वो कह रहे थे कि वो अपने सीनियर से पूछ के बताएंगे कि सर्जरी की कौन सी डेट देनी है। चलो चाय पियो। शाबाश। तभी तो उस दिन दावत में काफी खामोश था, वरना मैंने तुम्हें दोस्तों में कभी खामोश देखा नहीं है। पता है उस लड़की की कहीं भी एक एक बात मेरे दिमाग में तीर की तरह लगती है बार बार। क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया अगर मैंने रात में देर से उसे कॉल कर ली या उससे हमदर्दी करने के लिए उसे प्रमोशन दे दी, ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया मैंने? यार मुझे बड़ी ही कोई साइकोटिक लड़की लगती है। यही बात मैंने भी उससे कही थी। और पता है क्या कहती है? क्या कहती है? मैं साइकोटिक नहीं हूं बल्कि आप जैसे पैसे वाले मर्दों की फितरत से वाकिफ हो चुकी। तूने उसके जुमले पे गौर किए? क्या मतलब? यही जो उसने कहा था कि मैं आप जैसे पैसे वाले मर्दों की फितरत से वाकिफ। तो जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, और उसके साथ जो भी हुआ है उसमें जरूर किसी ना किसी अमीर कबीर आदमी का हाथ है, वरना कोई इतना रूढ़ नहीं हो सकता।
फजूल, कोई वजह नहीं, वो है ही ऐसी नकचड़ी। पता नहीं क्या समझती है खुद को, जैसे कोई भूर परी हो। यार तुम मान ना मान, लेकिन जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, वरना इंसान इतना तल्ख नहीं होता। जिंदगी में गुजारे हुए तल्ख लम्हात उसे ऐसा बना देते हैं कि वो जहरीली जुबान बोलने लग जाता है। शौकत साहब, 3 साल गुजर गए, आप एक लड़की को तलाश नहीं कर पा रहे हैं। सर मैंने हर जगह उसे तलाश करके देख लिया, बल्कि कराची के अलावा कई शहरों में अपने आदमी भेजे उसे तलाश करने के लिए, लेकिन सर मरियम का कहीं पता नहीं चला। सर आप मलिक से क्यों नहीं पूछते? सर मैं ये कोशिश भी कर चुका हूँ, लेकिन वो भी कुछ बताने को तैयार नहीं सर। हालांकि मैंने उससे ये भी कहा कि अगर वो मरियम का पता बता दे तो आप उसे रहाई दिलवा देंगे। शौकत साहब मुझे कुछ नहीं पता, आप जमीन खोदे या आसमान चीरे, मुझे मरियम का पता चाहिए। मैं बहुत सर मैं अपनी पूरी कोशिश कर तो रहा हूं सर। आप जाइए और अपनी कोशिशें तेज कीजिए प्लीज। जी बहुत बेहतर है सर। भाई से यहाँ से चला जाए अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे फिर से यहाँ से ले जाएगा वो। मुझे वहां से बहुत डर लगता है अम्मी। नहीं कोई नहीं है बेटा, कोई भी नहीं है अम्मी, मैं यहीं पर हूँ। कोई बात नहीं जाएगा मुझे पापा। आपने स्कूल की जॉब छोड़ दी, प्रिंसिपल मैडम बता रही थी अब हमारी उर्दू की नई टीचर आएंगी। जानती हूँ मैं। आपने जॉब क्यों छोड़ी पप्पो? वो मुझे ना इस जॉब में मजा ही नहीं आ रहा था, तो मैं सोच रही हूँ कहीं और जॉब ढूंढूं। मगर आपको तो यहाँ भी बहुत मुश्किल से जॉब मिली थी ना पप्पो, और फिर ये घर भी तो हमें आपकी जॉब की वजह से ही मिला है ना। अब तो हमें ये घर भी खाली करना पड़ेगा, फिर हम कहाँ जाएंगे पप्पो? फिक्र मत करो, खुदा की जमीन बहुत बड़ी है, जरूर हमें कहीं ना कहीं छत दे देगा। पप्पो है ना अभी, तब देख लेंगे। सपनों की गठरी में रोके फीके नींद रे, नींद रोके मारे दोनों मिलके सोई नहीं, मार मुझे देना कहीं तेरी सच्ची धोखे बाजियां। आज हम आपकी फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। जैसी लड़की से कौन फ्रेंडशिप करे? ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमसे तो हर कोई दोस्ती करना चाहेगा। बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी। ऐसा नहीं कहते रम, तुम वाकई बहुत अच्छी हो, मैं खुद तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ।
आप साइकेट्रिस्ट हैं, इसीलिए मेरा दिल रख रही हैं। मैं सच कह रही हूँ मैडम, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे खुद भी कोई फ्रेंड्स नहीं है। सच कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ। दोस्ती करने से पहले एक रिक्वेस्ट है तुमसे। क्या रिक्वेस्ट? मुझे ये बता कि मेरी इतनी अच्छी प्यारी मासूम फ्रेंड की मुस्कुराहट कहाँ चली गई है? मेरी फ्रेंड इतनी उदास क्यों रहती है, खुश क्यों नहीं है? जानना चाहती है ना आप? नहीं थी पहले मैं ऐसी, नहीं थी, बहुत खुश रहती थी मैं। आपको पता है बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे, सब मेरी तारीफ करते थे। वो इंसान मेरी जिंदगी में आ गया, मैं नहीं करना चाहती थी उससे बात। मैंने अपनी फ्रेंड को बताया भी। क्या है यार, कब से मैसेजेस आए जा रहे हैं, रिप्लाई कर भी तो। और मुझे नहीं कर। क्यों, कौन है? कौन हो सकता? ओ मिस्टर अननोन। यार अगर वैसे मुझे कोई इतने मैसेजेस करता ना तो मैं एक बार तो उससे कॉल पे बात कर ही लेती। तुम्हें नंबर दूं, तुम कर लो बात। मुझे मैसेज करता तो मैं जरूर कर लेती। वैसे तुमने इसे पूछा नहीं क्या चाहता है? इस सिचुएशन में हर जो लड़का चाहता है ये भी वही चाहता है। आपकी डीपी देखिए बहुत खूबसूरत है, क्या आपकी आवाज भी इतनी खूबसूरत है? इस तस्वीर में आप जिस तरह कैमरे की तरफ देख रही है, काश आप एक बार मुझे भी उस तरह देख ले, मैं तो मर ही जाऊं। एंड यू नो व्हाट? व्हाट यू वर सेइंग कि मुझे एक अपनी तस्वीर भेज दें जो सिर्फ मेरे लिए हो, एंड ब्ला ब्ला, इट्स सो इरिटेटिंग। कमाल की बातें करता है यार, रिप्लाई करो ना। बातों से कौन मुतासिर होता है यार? बातों से ही तो मुतासिर हुआ जाता है। ये बातें ही तो हैं जो जिंदा भी रखती हैं और मार भी देती हैं। वैसे डीपी तो मेरी भी बहुत खूबसूरत है, बस मुझे आज तक कोई मैसेज नहीं आया। तुम मेरे साथ कंपैरिजन क्यों करी? जानती हूँ तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो और हैंडसम भी। यूनिवर्सिटी का हर लड़का तुमसे बात करने का ख्वाहिशमंद है, और अब तो अननोन लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं भाई। सो यार बात करके देखो ना, अगर बहुत ज्यादा चिपकू किस्म का हुआ ना तो छोड़ देना, लेकिन अगर अच्छी पर्सनालिटी का हुआ तो मेरी सेटिंग करा देना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मुझे समझ क्या रखा? मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गए। प्लीज मेरे साथ ऐसे मजाक मत किया करो। यार चेक जरूर कर लेना। एनीवेज लीव है, अब मैं तुम्हें अपने असाइनमेंट दिखाती हूँ जो सर ने बोला था। यार अगर वैसे मुझे कोई इतने मैसेजेस करता ना तो मैं एक बार तो उससे कॉल पे बात कर ही लेती। अपने फजूल से दिल को समझाओ एंड बराए मेहरबानी पर मैसेज करके मेरा और अपना टाइम बर्बाद मत करो।
बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है ये। देखिए मिस्टर, अब आप हद से भरे। It's just too much. सारे मैसेजेस करता था वो, पता नहीं क्यों मुझे हमाद से बात करना अच्छा लगने लगा। हमाद नाम था उसका। दिन रात कॉल्स पे बातें करते थे।